हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या सर्टेनली डेफिनेटली आने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ऑफकोर्स वेरी स्वीट, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या अनोखा घटनाएँ हो सकती है। All right, and what is going to happen eventually? क्या घटित होगा ही? So universe, spirit guides, please guide करें। Thank you universe, thank you spirits, and thank you guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होना ही है अवश्य। First of all, we do have the justice, we do have the magician, यहाँ पे है हमारे पास the sun, we do have the two of strength, all right, हमारे पास यहाँ पे है three of strength, okay, we do have seven of strength, हमारे पास है the devil, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, all right, bottom of the deck हमारे पास है strength, ठीक है, ऑल राइट। सो वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि यहाँ पे है। वी डू हैव यस फायर साइंस काफ़ी ज़्यादा है, ओके, जेमिनी, लीब्रा एंड बाकी भी हम देख लेंगे। लियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई साइन, कैप्रिकॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर 7, 3, 2, 10, 1 एंड 11 एंड 8 वेरी इंपॉर्टेंट एंड 15 दैट इज 6। अभी आपको जो मैं बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बेसिकली मुझे देखना है आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपकी करंट सिचुएशन रेजोनेट हो रहा है सो अवश्य ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, सो देख लेते हैं आप अपने करंट सिचुएशन में क्या फेस कर रहे हैं और ऑफकोर्स आपके साथ फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। All right, so first of all, I would like to see that आपके current जो situation है, वर्तमान जो हालात है वो किस तरह से है। All right, अगर आप इस time period को skip करना चाहते हैं और सिर्फ अपना future देखना चाहते हैं तभी भी देख सकते हो, but मैं थोड़ा सा current situation को देखने की कोशिश कर रही हूँ। So what is my viewers current situation? Okay. So first of all, we do have you cast a spell with your existence, okay? Basically re-energize in the natural world, rise above the dark days of life. इसके साथ इसका similarity बहुत ज़्यादा है। Okay, we do have a difficult path is being revealed, okay? To conform is to die inside, okay? इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड। ओके, चलो थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ, देन आई कैन स्पीक्स। ओके, आई होप यू कैन सी देम। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ साइंस मैं बता देती हूँ। सैजिटेरियस है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, एज वेल एज एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि भी है यहाँ पे। ऑल राइट, सो ऑल द साइंस हैव मोर ऑर लेस कम। यहाँ पे वर्गो भी है। बेसिकली आपका जो वर्तमान हालात है कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है, सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। मे बी टेंशन बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, कैओस, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना, हलचल जैसे मचा हुआ है। कुछ इस तरह से है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जैसे कोई आपको अदृश्य शक्ति बोलो, इविल एनर्जीज बोलो, जो आपको रोकने की और टोकने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब होने से आप खुद डर रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद कामयाबी आप कभी नहीं छू सकते, बट इट्स नॉट लाइक दैट। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक टावर सिचुएशन जा रहा है, जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप चाहते तो है कि आप फ्रेश फील करें, आप
ऑफ कोर्स लोगों के साथ बात करें, हल्का हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जिस किसी के साथ भी बात करते हैं वो बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हैं बिहेवियर का कि आप डिज़र्व करते हो, कि आपने किसी को प्यार किया, लेकिन आप डिज़र्व तो करोगे ना, क्या डिज़र्व करोगे? आप लव डिज़र्व करोगे, राइट? सो लव के बदले में लव तो मिल नहीं रहा है, बल्कि हेट मिल रहा है। बल्कि क्या है, आपको नाकामयाबी की तरफ, मतलब आपको लग रहा है कि कोई आपको ढकेल रहा है, लेकिन आप भी कंटिन्यूअसली फाइट करते जा रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड स्पिरिट। आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके अंदर वो मैजिक है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की कार्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट कि बेसिकली यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी सोच इस तरह से है, मैं आपको बता देती हूँ, यू आर देन ऑन द राइट ट्रैक, यू आर नॉट ऑफ ट्रैक। अगर आपकी सोच है कि चाहे जितने भी, ठीक है, फासले हो जाए, चाहे जितने भी रुकावट हो जाए, चाहे जितने भी मेरे सामने मुश्किल हालात लोग क्रिएट करें, ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ या मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कभी भी झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। आई विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द इविल एंटिटीज, जो भी है, ठीक है, आई विल नेवर डू दैट। ऑल राइट, सो बेसिकली मुझे दिख रहा है यहाँ पे करेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा है, पेमेंट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके हिसाब से अर्निंग कम हो रहा है। प्रोफेशन में कुछ लगभग आपके विरुद्ध में कुछ कलीग्स हो सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप में भी आप देखे हो, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो उस इंसान के ऊपर जो आपको धोखा देके जा चुके हैं, ना आप नए इंसान के ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं। बेसिकली यू नो दैट यू आर टैलेंटेड, बट स्टिल यू यू फील लाइक आपको एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, मतलब लोग आपको अप्रूव करें, वो आप चाहते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया बात होता है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा अप्रूव करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे तो ही वो मेरा सक्सेस है, लेकिन आप खुद को भी अप्रिशिएट करो, ये भी ज़रूरी है। कुछ लोग कर भी रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग कर भी रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग इन द वे ऑफ लाइट, राइट? सो मूव टूवर्ड्स द लाइट एंड यू विल डू दैट। अभी क्या आ रहा है आने वाले समय में आपके लिए, क्या है? सर्टेनली, डेफिनेटली, आई डू फील, जिस तरह से आप देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होते जा रहे हैं। जैसे आपको लग रहा था कि कोई आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाला, बिकॉज बहुत सारे लोग सेल्फिश, मोर सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, तो आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे इविल एनर्जीज है, यहाँ पे है, आपके आसपास है, और यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। यहाँ पे क्या है, अगर आप स्पिरिचुअल है, राइट, ऑफ कोर्स ऑफ हो, लेकिन अगर आप मोर डीपली स्पिरिचुअली अब फील करो, आपको ऑलरेडी शायद रेड फ्लैग्स मिल चुका था कि ये सिचुएशन हो सकता है, हालात हो सकते हैं। एंड विद द सेवन ऑफ वैंड्स यू आर प्रोटेस्टिंग, आप एक रेवोल्यूशनिस्ट की तरह, आप एक रिबेल की तरह स्टैंड ले रहे हैं, और कोई भी अन्याय जो है उसको स्वीकार आप नहीं कर रहे हो। आपके लिए जस्टिस है, ठीक है, यू विल गेट जस्टिस एट एनी कॉस्ट, यू विल बी सो स्ट्रांग इन द कमिंग फ्यूचर। पता है लोग क्यों गुस्सा करते हैं? क्यों गुस्सा करते हैं? इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद कमज़ोर है। अगर आप अपने आप को पावरफुल समझते हो तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से ही मिल सकता है। अगर आप अपने आप को और भी डरा रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, चाहे फीमेल हो चाहे आप मेल हो, तो आप कभी नहीं कर सकते। यहाँ पे इक्वालिटी, जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपने किसी को भी फ़र्क नहीं समझा, ना जात पात, ना धर्म, ना मज़हब, ना कुछ भी, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ अनइक्वल तरीके से बिहेव किए, ना दैट कैन बी वन सोर्स ऑफ आर कर्मा, बट कर्मा, गुड कर्मा ऑल्सो ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स, सो यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड। नो वन कैन टच यू लाइक, ठीक है, कोई आपकी जो पोजिशन है वो छू नहीं पाएंगे। इट इज़ वेरी प्रिटी मच क्लियर, यू नो, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ यहाँ पे। द सन इज द लाइट, ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट। देखो यहाँ पे क्या है, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। जो आप चाहते हो
वही मैनिफेस्ट हो रहा है। चाहे आप मेल एनर्जी है, चाहे फीमेल है, चाहे मैस्कुलिन फेमिनिन, वट एवर बी द एनर्जी, जो आप चाहते हैं कि कभी भी हार ना हो, ठीक है, आप लड़ोगे और जब तक आप लड़ोगे तब तक आप क्विट नहीं करेंगे, ये अगर आपने ठान ले लिया, सो नो वन कैन स्टॉप यू और प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, एट दैट यू डिजर्व, राइट। सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, दे आर फाइटिंग, दे आर ऑफ कोर्स ग्रुपिंग टुगेदर, आप लोग टीम वर्क में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फॉरेन जाना, एक्सपेंशन, कुछ वहाँ पे जाके स्टडीज करना, ठीक है, रीसेटलमेंट, सेटलमेंट, वट एवर, एनी थिंग बाई एनी वीज़ा यू आर गोइंग देयर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे जाके अलग अलग कल्चर लोगों के साथ मुलाकात होना, हो सकता है कि पहले पहले आपको लगे कि देखो मुझे लोग साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कर लोगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग रोबोटिक्स, कुछ लोग एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, कुछ लोग इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुछ लोग डेंटल, इस तरह से सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए वहाँ पे जाएंगे। और आई डू फाइंड कि आप जो भी जेंडर है उससे ऑपोजिट जेंडर के लोगों को बहुत इम्प्रेस कर पाएंगे, एंड मे बी इट इज़ आउट ऑफ योर स्टेट और कंट्री, बट यू विल डू दैट, ओके। एंड बेसिकली आई डू फील लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि जैसे होता है ना कि हम अगर कोई कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और हम एज अ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे एज अ प्रोफेसर, तभी भी हमें लगता था कि समवन इज़ इग्नोरिंग, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो हमारा एक बहम होता है, हमारा ही काम होता है वहाँ पे जाके एडजस्ट करना, और वो मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है दैट यू आर एडजस्टिंग, ठीक है। कुछ एडिक्शंस आपके कम्प्लीटली जा सकते हैं, जैसे भी हो, मे बी प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, मे बी यू फील लाइक गैम्बलिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, यू फील लाइक, आपको लग सकता है इन्वेस्टमेंट कर देना, लेकिन कहीं पे भी वो आपका एक हैबिट हो चुका था, वो होगा। एनी टाइप ऑफ थिंग लाइक टेकिंग कॉफ़ी टू मच टाइम्स, ठीक है, एंड मे बी ड्रिंकिंग सो मच, मे बी टेकिंग सिगरेट्स और स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विथ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे एक टॉक्सिक हैबिट जनरेट हो रहा है, वो उसका भी ख़त्म होगा। या कोई आपको, ठीक है, फंसा के ट्रैप करके कुछ निकलवाना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू विल नो, यू विल अंडरस्टैंड, लाइक यू नो व्हाट, यू विल ब्रेक देयर बोन्स, लाइक आप उनको दिखा दोगे कि आपको ठगना उनका कुछ है नहीं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, टू बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ। यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या है, आप ऑलरेडी धीरे धीरे मच्योर हो रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और बार बार आपको लेसन मिल ही रहा है, राइट। और मुझे दिख रहा है कि बेसिकली आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज रियली अ पॉजिटिव वन, वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, काफ़ी एजुकेटेड है, स्कॉलरली है, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने अगर स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट भी किया होगा, उनके अंदर इतना ज़्यादा पैशन होगा कुछ चीज़ें सीखने का या कुछ चीज़ को क्रिएट करने का, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फैमिली जो है उनको वो एजुकेशन नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते, बट दे आर सो टैलेंटेड, राइट, दे कैन मेक अप। सो उस तरह के पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे, जो है एक वॉरियर तरह का, ठीक है। आपकी ट्रैवल हो सकती है कुछ डिस्टेंट प्लेसेस में, बट वहाँ का वेदर थोड़ा सा सनी रह सकता है, मतलब वार्म वेदर। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हो सकते किसी शो को अटेंड करें या कोई लाइव इवेंट्स को अटेंड करें, कोई स्पॉन्सरशिप से ही शायद वो मेंबरशिप कार्ड आपको मिल जाए, और आप जब अटेंड करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे आपकी जैसे होता है ना कि ज़िंदगी परिवर्तन हो जाने का, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा चिट से देख लूँगी, ओके। सो लेट मी सी व्हाट्स द ओरेकल सेज अबाउट यू। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। शिवा, तापस, तपस्या, दिस इज लाइक ओके। सीता, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। सो वेन एवर इट इज एडवाइज दैट वेन एवर यू डू समथिंग डू इट इन अ सेंशुअल मैनर। अगर आप जैसे अगर आप फूड ब्लॉगिंग देखते हैं, अगर आप डांस आर्ट मूव्स ये सब देखते हैं, लोग कितना स्टाइलिश वे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छा से एक्सप्रेस करके कुछ ऐसा वीडियोज़ क्रिएट करेंगे, या आप कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में रहेंगे जहाँ पर हर एक चीज़ आपकी आवाज़ बोले, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से लेके, आपके वॉइस से लेके, आपके कम्युनिकेशन से लेके, यू आर एक्सप्लेनिंग इट इन अ डीप मैनर। जो ऑडियंस, जो क्लाइंट्स का जो है अटेंशन सिर्फ आपको मिल रहा है। शिवजी द तांडव नृत्य या जो है नटराज जो मूर्ति यहाँ पे है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ अगेन अ न्यू बिगिनिंग, अ क्रिएशन वंस मोर। सो डोंट वरी, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हो रहा है, सो ऑफकोर्स बी क्रिएटिव, बी मोर फोकस्ड टूअर्स क्रिएटिव थिंग्स। आई डू फाइंड कि सीता देवी का यहाँ पे जो कार्ड का रियल मीनिंग है मैं आपको बता देती हूँ। सीता जी वॉज टेस्टेड मेनी टाइम्स बाई लॉर्ड राम, एंड उनको ना एक पॉइंट पे लगा कि उनको बहुत बार टेस्टिंग किया जा रहा है, कि उनको देखा जा रहा है कि वो कितना पवित्र है या नहीं आफ्टर रावण जो उनको लेके गए थे। सो बेसिकली टू प्रोटेक्ट हर रिस्पेक्ट, ठीक है, शी वेंट डाउन, मतलब वो भूमि के नीचे चले गए, ठीक है। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप टॉलरेट नहीं करोगे आने वाले समय में, ठीक है। एक्सटर्नल, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हमेशा ऐसा होता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन, लेकिन वैलिडेशन एक टाइम पे सही है, लेकिन बार बार अगर आपको कोई जज करे क्या वो सही है, नहीं है। यहाँ पे ललिता त्रिपुरा सुंदरी, अगर आपको ये कार्ड के बारे में पढ़ना है, सो यू कैन गो फॉर द योगिक पाथ ओरेकल, वहाँ पे सच्चाई जो है वो बयान होगा, है भी वहाँ पे। ललिता त्रिपुरा सुंदरी इज लाइक यू नो व्हाट, व्हेन यू जस्ट पोज एवरीथिंग इन सच अ मैनर विच इज सिमिलर लाइक व्हाट आई सेड, कि आप जो भी करो कुछ स्टाइलिश वे से करो और करोगे भी, एंड इन अ मोर डिजाइंड वे, इन अ मोर ड्रामेटिक वे, तो और अच्छा है आप करोगे। और इन तापस इट इज सेड लाइक बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि फोकस एंड मेडिटेशन, ठीक है, इट हेल्प्स अ लॉट इन ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी। इवन अगर आप आसन कर सकते हैं उससे भी आपका अटेंशन शिफ्टिंग, मोर एनर्जी ओके इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द चिट्स, थोड़ा सा चिट्स से देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरे हाथ में जो आया मैंने उठा लिया यहाँ से रैंडम बेसिस पे। आर यू क्रेजी, कोई आपको कह सकते हैं आर यू क्रेजी। स्टॉर्क, वाओ, स्टॉर्क इज सच अ बर्ड, वो ऐसा पक्षी है जो हमेशा उसका जो मोटिव रहता है दैट इज अपवर्ड, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना ऊपर जाने का, मतलब अपवर्ड मूविंग, इट्स लाइक दैट ओके। बाथ इन द होली रिवर, हो सकता है कि पवित्र जल या पवित्र नदी पे आप नहाओ, ऑफकोर्स वाई नॉट। एन इमरजेंसी कॉल, कोई इमरजेंसी कॉल आपके पास हो सकता है, आ सकता है, मे बी यू हैव टू अटेंड सम मीटिंग, या हो सकता है आप एक डॉक्टर है, तो हो सकता है कि जिस महीने में भी आप देख रहे हैं, हो सकता है उस महीने या अगले महीने आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स अटेंड करना पड़े, और आपको इफ़ यू आर अ डॉक्टर हैंडलिंग द ICU डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हो सकता है कि वहाँ पे आपको बार बार जाना पड़े। क्विल, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बर्ड विच इज़ वेरी मच यू नो इंटेंस,
लाइक आई डू फील लाइक दैट कि आपकी कुछ इंटेंस कनेक्शन किसी के साथ बनने वाला है. डिफेंसलेस, कभी कभार ऐसा हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर कि आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा सा पता नहीं कि कहाँ जा रहा है मेरा नसीब. अभी भी शायद आपको ऐसा फील हो रहा होगा, बट एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस. एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ. बाय.